यो भाई गाइस वेलकम बैक। यार आज मैं फिर से आ गया हूँ अपने वन ब्लॉक का एक न्यू एपिसोड लेकर। और यार आज की इस वाली वीडियो में हम कुछ तो क्रेजी करने वाले हैं। बाकी मुझे भी नहीं पता कि आखिर क्रेजी क्या होगा, पर कुछ तो क्रेजी होगा इस बात की गारंटी मेरी है। एंड जैसे कि तुम अभी मेरे को देख के ही समझ पा रहे हो कि मेरे पास पूरा आयरन कारमर बना पड़ा है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो चलो पहले तो मेरे पास इन्वेंटरी में आयरन पड़ी है, इसे मैं फर्नेस में पटक देता हूँ। ठीक है, दो आयरन यहाँ पर है तो इससे मैं कुछ नहीं बना रहा, छोड़ो। और यहाँ पर मैं इसमें धर देता हूँ इसे। एंड स्टिक यानी जाएगी, स्टिक जाएगी वो ये वाली आएगी अपनी वेपन की, ये आएगी वुड चेस्ट, इसमें रख दो इसे। एंड डर्ट वाली यहाँ पर है, इसमें डर्ट रख दो। अब मैं ये कोल को भी अपने फर्नेस में फेंक आता हूँ। अभी दोबारा से अपन बैक टू माइनिंग होते हैं। और ये 3-2-1 बूम। ओ भाई बिच, चुड़ैल कहीं की, भाग जा यहाँ से। ओ तेरी, इतनी दूर तक पोषण फेंक दिया इसने, इसके लग रहा कानून से भी लंबे आता। ये जो डबल है ओए, निकल निकल निकल। अरे यार इसने भी पॉइजन लगा ही दिया, चल निकल। ठीक है भाई, मरना नहीं, बेईमानी नहीं, ऐसे नहीं। वैसे पॉइजन से तो मैं नहीं मरूंगा, हाफ हर्ट पे आके रुक जाऊंगा। भाई रुक जाओ, कितना बिल्कुल हाफ हर्ट पे करके मारोगे क्या यार, पहले नहीं रुक सकते हो क्या। चलो सामान तो भी उठा लेते हैं अपन। लो हाफ हर्ट पे रुक गया, हाफ हर्ट से ऊपर हुआ फिर तुरंत लगने लग गया पॉइजन। ओ दिख गया स्लोनेस, मेरे को वीकनेस मिली पड़ी 43 की यार। चलो पॉइजन तो भी ख़त्म हुआ, वीकनेस ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, हो तो ठीक हो जाएगी। एंड मेरे को काव वगैरह मिल जाए ना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि काव मिल जाएगी तो उससे अपन मिल्क ले सकते हैं। मिल्क मिल जाएगा तो यार मज़ा आ जाएगा, अपने को कभी भी पॉइजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी फिर। चलो भाई अभी अपनी हेल्थ तो लो है, पर कोई बात नहीं, माइनिंग तो करनी पड़ेगी, वो तो मजबूरी है। एंड मैं सोच रहा हूँ ये जो आसपास के ब्लॉक है ना, इन सबको तोड़ के यहाँ पे कोलस्टोन लगा देता हूँ ना, क्योंकि बस मन कर रहा है। आ जाओ तुम सब, आ जाओ यार, ये तो वेस्ट हो रहे हैं आधे ज़्यादा। ओए मैया, अब की बार मेरे को बोनस किट भी नहीं मिली जो रिकवरी किट मिलती थी पहले। दुनिया भर का नुकसान हो गया यार, मैं सोच रहा था कुछ क्रेजी करूँगा, पर क्रेजी का मतलब ये थोड़ी था कि भयंकर नुकसान करा लूँगा अपना। यार ये तो गलत बात है। खैर आयरन मेरे पास पड़े आई थिंक एक दो, भाई प्लीज़ दो ही है यार, दो में क्या ही बात बनेगी। एंड आई थिंक एक और यहाँ पर होगा 1 सेकेंड। अरे कहाँ भाई, पहलवान बैठ जा नीचे, मेरे ऊपर बैठ गया यार ये तो मैं काम करता हूँ, उसको साइड में छोड़ देता हूँ, वरना ये इधर उधर लग जाएगा, इसको चोट लग जाएगी फिर मर मुर जाएगा। कहाँ पे है अभी ये, इसको जब तक डैमेज नहीं होगा तब तक उतरेगा नहीं। उतर गया, वो उतर गया। चलो अब यहीं पे बैठ जाए शांति से, ठीक है, बिल्कुल बदमाशी मत करियो। चलो अपने पास दो आयरन है, आई थिंक एक इस वाले फर्नेस में पड़ी होगी, देख लेते हैं एक बार। ओके मिल गई, एंड इससे अपन अपने लिए बना सकते हैं। एंड मैं इससे अपने लिए आयरन की पिकैक्स बना ले रहा हूँ, इसे लगाओ एंड ये लगा के बना लो अपने लिए आयरन की पिकैक्स। एंड अभी जल्दी से गुड नाइट करते हैं अपना, क्योंकि रात हो रही है, मॉब जाके फिर परेशान करेंगे, इससे अच्छा सो जाते हैं। डन, अभी मैं दोबारा से कोबलस्टोन ले लेता हूँ, पहले वो जगह तो बंद करनी है। इसके अंदर यहाँ पर कोबलस्टोन है, कहाँ पर 4 डर्ट्रॉइट है भाई, कोबलस्टोन बताओ ना यार कहाँ पर है। मेरे पास 17-18 समथिंग कोबलस्टोन थे मेरी इन्वेंटरी में, और विद अ फुल आयरन का आर्मर सब चले गए एक बार में, मेरी शील्ड वगैरह बतेरी चीज़ें थी सब चली गई। पर कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अभी अपन दोबारा से मेहनत करेंगे एंड दोबारा से उसको कंप्लीट करेंगे, अपने सामान को जो पहले था अपने पास। भाई लग जा भाई, क्या दिक्कत है तेरे को, फिर से बिगड़ गया ऐसी तैसी, अब तू बिगड़ा ही रहे। स्टोन या स्टोन नहीं है यहाँ पे, फिर से नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वो ये रहा ना स्टोन, कोबल स्टोन ही ले लेता हूँ दुनिया भर के, इनसे ही बनाऊँगा बेस। पर पहले मैं लगाता हूँ इन सबको, यहाँ पे बंद करना है पूरा एरिया, दोबारा से कोई हादसा ना हो जाए। आजा भाई डर्ट आड़ो, यहाँ लगाओ इसे। ओके, यानी बीच का ब्लॉक ये तो अपने आप बदलता रहता है, इसे अपन नहीं छेड़ सकते। ठीक है, मैं कोबल स्टोन को लगा के आता हूँ पहले पल्ली तरफ, लेकिन उससे पहले मैं इसकी बना लेता हूँ स्लैब। ऑलमोस्ट 48 हो गई है, बहुत यार, इतनी ज़्यादा वेस्ट करनी अच्छी बात नहीं है। दुनिया का मेरे पास रिसोर्स है तो इसका मतलब ये थोड़ी है बर्बाद करता फिर। मैं बनाता हूँ इस तरफ पाथ, ऐसा लगा देता हूँ, बढ़िया यार, इस पर अपने मॉब्स तो स्पॉन नहीं होंगे फालतू। लेकिन 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 क्या लगाओ ना भाई, ये है जेन्युइन ये, लेकिन ये स्लैब होंगे। ओके ओके, स्लैब है ऊपर, वापस आ भाई तू भी। अरे यार एक स्लैब अपनी शहीद हो गई, तो फिर यहाँ से अपना पाथ चल के जाएगा उस तरफ, एंड वहाँ पे मैं बनाऊंगा एक बेस जिस पर अपने मॉब्स स्पॉन होंगे। पैसे वाले चाहिए मेरे को, अग्रेसिव एक भी नहीं, अग्रेसिव आएंगे ना तो मैं घसीट घसीट के मारूंगा। और ये हैगा मेरा पार्कोर ब्रिजिंग, कुछ तो आएगी नाम नहीं पता। ओके, अब यहाँ पे अपने ब्लॉक्स को फैला देते हैं, यहाँ पे आई थिंक मेरे को ओके वाले ब्लॉक्स लगाने चाहिए ना, डबल वाले।
तभी बात बनेगी, सिंगल पे स्लैब पे थोड़ी स्पॉन होंगे। पता नहीं क्यों नहीं होते हैं, पर बस होते नहीं हैं, मर्जी रहती है। ये हो ही लग ही नहीं रहे, इससे यहाँ लगाओ। ओके यहाँ पर बात बनेगी क्या भाई, इसे इधर आइए। तू गई शहीद हो गई, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। इच्छे तो लगेगी नहीं, मैं यहाँ से जाके एक बार देखता। एक्चुअली जब मैं पिछली बार मरा था तो वजह ऐसी रही थी कि मेरा हाथ फिसल गया था उस पे से, एंड हाथ फिसल गया शिफ्ट वाली बटन पे से जिस पे मैं झुका हुआ था, एंड फिसला और मैं पीछे हो गया और बस मर गया सिंपल। तो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, भूल गया उस बात को। अभी अपन यहाँ से दोबारा थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करूँगा कि गलती से ना छूट जाए इस बार भी शिफ्ट का बटन, वरना फिर से मैं चला जाऊँगा नीचे, है ना। मेरे पास आयरन भी नहीं है, अब तो मैं पूरे कंगाल हो जाऊँगा। मैं कितने ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ पता भी चल रहा मुझे? एक, ये तो मैं सेंटर कैसे इग्नोर करूँ, एक दो चार पाँच छः आएंगे, सात आठ नौ दस, बहुत है बैंक जी भर के लगाओ। और इसको भी अभी मैं डिजाइन में बाद में करूँगा, अभी फ़िलहाल नहीं। चार पाँच है ना यहाँ पे, पाँच और बढ़ाने, छः एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस, ठीक है। अब यहाँ से तो पूरा पैक करना है, बॉक्स बना देना है, ठीक है। अपन यहाँ पे अपने सारे कोवर स्टोन लगाऊंगा। मैं चाहता तो स्टोन ब्रिक भी लगाना था, पर दिक्कत यह है कि अभी मेरे पास उतने ज़्यादा भी कोवर स्टोन नहीं है कि मैं जी भर के स्टोन ब्रिक लगा सकूं, तो इसलिए जो है अभी फ़िलहाल उतने में काम चला लेते हैं। ओके मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गया, अब यहाँ पे यहाँ एक आध ब्लॉक और बढ़ाने होंगे। मैं गिन के भी तो नहीं चल रहा हूँ यार, कोई नहीं मैं यहीं से मुड़ जाता हूँ। अब छोटा बड़ा होगा तो आगे एडजस्ट कर लेंगे, तोड़ फोड़ मचा देंगे थोड़ी सी। और बिल्कुल होशियारी से काम करना, मरना नहीं चाहिए दोबारा मेरे को, क्योंकि बहुत सारा नुकसान करा लिया मैंने ऑलरेडी। मेरे को उसको हल्का लंबा करना चाहिए था यार, एक दो ग्यारह का है, बारह कर दूँगा तो शायद अच्छा लगेगा, पता नहीं क्यों लगेगा पर लगेगा, इसलिए लगा दो ऐसी तेजी। अभी अपना कोवल स्टोन भर दो यहाँ जी भर के, लगाते हैं यहाँ पे तेजी में कोवल स्टोन। मैं सोच रहा हूँ यार सिनेमैटिक्स भी ऐड करे करूँ अपनी वीडियो में, तुम बताना मैं कि मैं सिनेमैटिक्स ऐड करूँ कि नहीं। तुम कहोगे तो करूँगा, नहीं कहोगे तो नहीं करूँगा। ओके अभी फ़िलहाल अपन ये बनाने पे फोकस करते हैं। ले भाई ख़त्म हो गई, एंड अभी मैं इसमें स्लैब नहीं लगाना चाहता क्योंकि स्लैब लगाऊँ तो नुकसान हो जाएगा। इसके अंदर होगा कोई स्टोन, हाँ यहाँ पर रखता हूँ मैं, ठीक है। आई मैं दोबारा से बैक टू माइनिंग हो रहा हूँ, पूरी पिकैक्स को बर्बाद कर दूँगा जब तक अच्छे मेरे पे वेपन्स नहीं आ जाते। एंड मेरे को कोबल स्टोन से अपने लिए वेपन्स नहीं बनाने चाहिए थे, मैं उल्टे काम नहीं करता हूँ कभी कभी। अभी यहाँ पे अगर वुड वगैरह आ गई, ओह घटिया चीज़ दे रहे हो यार तुम, ये क्या है घास्ट, घास्ट का क्या चार डालूंगा मैं, इससे मेरे को आई थिंक घास्ट टियर मिल जाएगी। कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। मैं सिंगल हाथ से माइन करते हैं, फालतू में क्यों आयरन पिकैक्स बर्बाद करनी है ना। ओके कोल आ गया है, आ जाओ आयरन नहीं गोल्ड है वो, सो तो थोड़ा शब्द आगे पीछे होगा या ऑटो करेक्ट हो गया थोड़ा सा। मेरे को कोबलस्टोन दे देना, मिल गए भाई मिल गए। मैं कह ही रहा था कोबलस्टोन मेरे को मिलते ही मैं शवल और अपने लिए एक्स पिकैक्स बाकी सारी चीज़ें बना लूँगा, नेसेसरी वेपन जो होते हैं सब बना लूँगा। आई थिंक इतने में तो बात बन जाएगी, एंड स्टिक भी है मेरे पास तो बना ही लेते हैं, फिर लगे हाथ नहीं पता चले मैं कब फिर मर जाऊँ इसलिए। ओए घोड़ा भाई मेरे पास शेडल नहीं है, लेकिन मैं इसे टेम कैसे करूँगा, केवल इसे बांध के रखा जा सकता है बस, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ले भाई मेरी लीड थी एक, वो भी गई, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। एक आध लीड और तो होगी भाई मेरे पास, देखो जरा इसमें लगता तो नहीं है भाई। चलो इसमें ये रही ना लीड बढ़िया, ये वेपन वाली है ना, इसे यहाँ थोड़ी धरना चाहिए, इसको यहाँ धरते हैं। वेपन तो ये है ना इसमें वाली चेस्ट वेपन की, मैं पहले सो जाता हूँ, गुड नाइट। चलो अभी अपन इसको पकड़ के इस तरफ छोड़ देते हैं। चलो भाई इच्छा आ जा, कमान आ जा। अरे भाई क्यों फंस गया यार, मेरी लीड और टूट गई। चल बारा बाहर को आ जा, मारूंगा नहीं तो। चल बारा यार, लग रहा नहीं बारा तोड़ना पड़ेगा इसे मेरे को, भाग मत जाइए अपनी मर्जी से, नहीं बहुत मारूंगा मैं। चल इधर, अरे बाहर आ जा भाई। चलो अभी इसको लेके चलो, आ जा भाई नाराज मत तो, जल्दी आ जा। हेलो भाई आ जा, आई नहीं रहा यार ये, मैं इसे तोड़ता हूँ एक। अब आ जा, अब चुपचाप से आ जाइए, मैं मारूंगा नहीं तो। चल अंदर आ, इसे लगाओ डन। अब चलो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, डन डना डन डन। अभी अपन बैक टू माइनिंग होते हैं, एंड कोविल स्टोन मिल रहा है, बहुत बढ़िया। एंड मैं जो ये वाले हैं ना, ये मौसी कोविल स्टोन, इन्हें बीच बीच में लगाऊंगा टेक्सचर के लिए, मस्त लगेंगे देखने में। क्योंकि सिंपल कोविल स्टोन पूरे में बिछा दोगे ना तो थोड़ा सा ना रफ से लगते हैं, रूखे सूखे से। ओके एक और तोता आएगा, एंड तोते को मैं सीड लेके आता हूँ, सीड मेरे इस तरफ रखे हैं इस वाली चेस्ट में, इसमें इसमें आएंगे चेस्ट सीड, ठीक है। इतने में तो बात बन जाएगी, मैं कम रिसोर्स रखूँगा अब अपने पास, क्योंकि मरने के चांस रहते हैं। दो चार पाँच छः सात, कितना खाएगा भाई। ओए तू आ जा। ले भाई पूरे 10-12 सीट खाएगा या टेम ही ना होगा, मेरे को पता होता तो यार मैं कभी टेम ही नहीं करता ऐसे। ये भी उड़ने को हो गया भाई, टेम हो जाए कैसे,
ना भाई अभी भी नाराज है मेरे से। ओके भाई साहब कितने ले लिए इसने, 21 आई थिंक 38 39 कुछ तो थे। नीचे आ जा नीचे चुपचाप, यहीं बैठ जा। लो ये भी टेम हो गया, यहीं बैठ जा चुपचाप। ले भाई ये मेरे ऊपर बैठ गया। हाँ लो भाई दो दो बैठ गए यार मेरे ऊपर, दो दो बैठ गए। वो मेरे सब थोड़े फंबल हो जाते हैं, तुम समझा करो बात को ठीक है। चलो भाई उतर जाओ यार अब तुम लोग, तुम दोनों से कह रहा हूँ यहाँ तुम कैनन बन के बैठ गए, आयरन मैन बन गया हूँ मैं बिल्कुल। अब इसी बात को तुम लोग लेजर शूट कर दो अपने मुँह से। उतर जाओ यार उतर जाओ तुम लोग, कैसे उतारूँ यार इन लोगों को मैं। नहीं यहाँ पे डर्ट वगैरह तो भी रख देते हैं जब तक हैं अपन यहाँ पे। कोबलस्टोन मौसी कोबलस्टोन। ओके उतर गए ये लोग, बैठ जाओ तू भी बैठ जाओ चुपचाप यहीं पे ठीक है। चलो अभी मेरे कंधे थोड़े फ्री हो गए हैं, पहले बहुत वजन सा लग रहा था, अभी एन खाने में मेरे पास कुछ भी नहीं है बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं अभी फ़िलहाल तो भूख ज़्यादा नहीं लगी एक्सट्रीम लेवल की, जब लग जाएगी इसमें। ओके बैम्बू और बेट्टे बोन और शुगर केन वगैरह ये अच्छी चीज़ें, बैम्बू में उगा सकता हूँ यार, मेरे पास सैंड भी दुनिया भर के जी भर के वो उगा सकते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड में ना पक्का उसी का कुछ बनाऊंगा, जिसमें अपन बढ़िया से सैंड वगैरह लगा के आसपास पानी डाल के मस्त बिल्कुल एरिया बनाएंगे, जिसमें अपन कछुओं को भी वहीं रखेंगे और जो भी अपने काम होते हैं ग्लास वगैरह वहीं से मिलेगा ना सैंड से ही, आराम से पका सकते हैं अपन बेझिझक होके बिल्कुल। ओके एक और तोता, आप नहीं चाहिए यार इतने तोतों का मैं क्या अचार डालूँ, मेरे पास ऑलरेडी दुनिया भर के हैं, तो मैं इन्हें मार देता हूँ भाई, इन्हें मारना ही मेरे वर्ल्ड के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो ठीक है कितने मिले, 3 फैदर मिले ठीक है। चलो और दिक्कत ये ना कि इन लोगों को अपन बांध के भी नहीं रख सकते। ओ डायमंड भाई बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें कुछ और बताने वाला था पहले वो बता देता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि अपन ना तोते को बांध के नहीं रख सकते क्योंकि ये है उड़ने वाला मॉब, इसे कहीं भी फेंस वगैरह में डालोगे उड़ के भाग जाएगा। और आई डोंट थिंक कि लीड इन पर कनेक्ट होती है, होती भी होगी तो मैं नहीं ट्राई करना चाहता क्योंकि फिर मैं रिग्रेट करूँगा, इससे अच्छा ट्राई मत करो। अभी अपन अपने डायमंड माइन करते हैं, कम यार डायमंड। एंड तुम्हारे भाई के पास ऑफिशियली 3 डायमंड हो चुके हैं। एंड अभी मैं चाहूँ तो अपने लिए डायमंड की एक्स नहीं पिकैक्स बनाऊँगा, एक्स उतनी ज़रूरी नहीं है, पिकैक्स ज़रूरी है क्योंकि उसी से अपन ऑब्सिडियन माइन कर सकते हैं ब्रो। यहाँ पर होगा इस वाले के अंदर डायमंड, ओके 3 डायमंड होगा ऑफिशियली अपने पास, देख रहे हो। एक मिनट में आया हूँ तो चेक कर ले रहा हूँ लीड लगती है इन पर, इधर ही हो ब्रो। हाँ भाई लीड लगती है यार, मैंने फालतू में वो दोनों मार दिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ फ़ायदा क्या होता अगर मैं उनको लीड लगा कर लेके आ भी जाता तो मैं उन्हें बांधता थोड़ी, मेरे पास तो एक सिंगल लीड है, मैं उन्हें बांधूंगा कि नहीं अपने इस्तेमाल करूँगा काम में, ये सब थोड़ी चीज़ें चलेगी यार। ये सीड वाली है उगाने की चीज़ें, तो इसमें शुगर केन और बैम्बू दोनों दर्द हो, ये बोन हैगी, बोन पता नहीं किस में डरी जाती है फिलहाल, इसलिए इसमें दर्द हो। चलो बिल्कुल आराम से बिल्कुल प्यार से चलना है, नहीं पता चले पैर फिसल जाए कहीं गलती से मेरा एंड फिर से वही हादसा हो जाए पहले वाला, फिर से दोबारा कोई क्रेजी चीज़ नहीं चाहिए अपने को, इसलिए अभी फ़िलहाल बिल्कुल आराम से। एंड मैं यहाँ पे अभी एक फेंस लेके आता हूँ, फेंस लगाता हूँ भाई, फेंस की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे एक भी मॉब स्पॉन क्यों नहीं हुआ यार, काफ़ी टाइम हो गया ना बनाए हुए, आई मीन बड़ा सरफेस नहीं है पर फिर भी यार देखो इतना तो बना दिया, अब तो स्पॉन होने चाहिए मॉब। एंड मैं यहाँ पे अभी एक फेंस गेट लगा देता हूँ ताकि अपन यहाँ पे मॉब्स को कंट्रोल कर सके, वो यहाँ ना आ सके एंड यहाँ से कोई वहाँ ना जा सके। मेरे पास होंगे वुड तो स्टिक भी है एंड अपन ये जंगल के बना लेते हैं। फेंस गेट मेरे पास पड़ा था यार ये पहले से, मैं क्यों बनाऊँ एक्स्ट्रा फालतू है ना, यहीं पर लगा देते हैं इसको डायरेक्ट ही। चलो बस अभी यहाँ पर और ये बूम ठीक है, अभी ये लग गए एंड यहाँ से ये लोग चाहे तो आ सकते हैं, भाई गलती करी मैंने, तो मैं इसे तोड़ के इस तरफ लगा लेता हूँ भाई, इधर ये गिरी मत प्लीज़ प्लीज़, बच गए इच्छे लगाते हैं ठीक है। अभी यहाँ से केवल अपन जा सकते हैं, अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो मारा जाएगा, मारा गया वो खुद ही गिर पड़ जाएगा। चलो अभी अपन यहाँ पे आ गए हैं एंड दोबारा से अभी बैक टू माइनिंग होते हैं, थोड़े से रिसोर्स कलेक्ट करके लाते हैं स्टोन वगैरह क्योंकि उसे कम्प्लीट भी तो करना है उस वाले एरिया को। ओके आयरन कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बिच चुड़ैल इसको मारना ही पड़ेगा अपने देश के कल्याण के लिए, इसने फेंकने की तो कोशिश करी, फेंक फेंक अच्छे से मारूंगा इसे। ओके डन, क्या मिला इससे मेरे को, स्टोन एंड गन पाउडर, स्टोन नहीं शुगर, क्या कहता रहता हूँ यार मैं भी कभी कभी, शुगर यहाँ पे रखते ना अर्जेंट काम की चीज़ें, शुगर एंड गन पाउडर यहाँ धरो। लेकिन ग्रेवल की चेस्ट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्रेवल छोड़ बाकी सब चीज़ें रखी हुई है, स्नो है इसमें, इसमें रख दो सब, ये डर्ट वगैरह सब अपने पास रखे रहते हैं, अपने पास काम आएंगे ये। एंड मेरे पास एक आयरन और होगी आई थिंक इसमें, हाँ एक ही है पर दो ही है ना, एक बार में वेस्ट हो जाएगी फिर अपना कोल, तो मैं इन्हें रखे रहने देता हूँ, बाद में जब हो जाएगा 5-7 तब एक बार पकाऊंगा इन्हें फर्नेस में डाल के। एंड अभी फ़िलहाल अपनी माइनिंग पे फोकस करते हैं। एंड मैंने ना इसके नीचे कि ये अपना जो भी क्या कहते हैं इसको डर्ट का ब्लॉक लगा रखा है अपने वन ब्लॉक के नीचे, तो मेरे को उसके नीचे ना कोबलस्टोन या कोई हार्ड ब्लॉक लगाना है, मैं सोचूंगा उसे करूंगा, अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी माइनिंग पे फोकस कर रहा हूं। पर जब भी मेरे पास रिसोर्स
ओ भाई 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 प्लीज रेड नहीं, प्लीज रेड नहीं भाई भाई, नहीं नहीं यार भाई प्लीज, मैं मर जाऊंगा भाई भाई मैं मरा। अरे यार मेरी हेल्थ कमजोर है, ले भाई मैं मर गया। अब ये डिस्पॉन हुए होंगे, ले यार अभी यहीं खड़े नमूने। अरे यार मेरे को एक्स ही नहीं मिली भयंकर, ये किसकी हेल्थ आ रहा है नीचे किसी की? अच्छा वो विक्स जो भी नाम था, विक्सन विक्सी पिक्की जो भी है, वो स्टोन एक्स है मेरे पास। आ जा भाई कौन सा। अरे नमूनी बिच तू कैसे आ गई, तू मॉन्स्टर कब से हो गई, तू तो सिंगल चुड़ैल है। ओके स्पाइडर है, इसे भी निपटा लेते हैं। ये भाई कैसे, तुम लोग हॉस्टाइल नहीं हो क्या? कौन सा भाई? नहीं तुम लोग नहीं, तुम मत भिड़ो, तुम मत भिड़ो, नहीं 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 तुम नहीं, तुम नहीं, मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे। विक्सी को आ जान दो, विक्सन जो भी नाम है। ले भाई मैं मार दिया मुझे इनने, मैं दोबारा जाता हूँ वहीं पर। इत्या आओ इत्या आओ इत्या आओ सब इत्या आओ, इधर इधर आओ, लड़ाई लड़ाई भराई नहीं बिल्कुल, नोप नोप। ये रही विक्सन, आ जा आ जा। अरे भाई गिर जाएगा, ये नमूना गिर गया, मैं रोक रहा था उसे, इतना कोशिश करी मैंने रोकने की। नहीं तू तू नहीं, तू नहीं, बैठ जा बैठ जा, चुपचाप चुपचाप बैठ जा। अबे तुम पंछियों, विक्सन तो अभी एक नीचे चला गया, वो उड़ के वापस आएगा, इतना तो मुझे भी पता है। आ जाओ इत्या आ जाओ, कई सारे हैं। अरे तू मर गया मर गया, वो बेटे मार दिए तुम्हारे भाई ने से। भाई सामान धर दो अपना, सब सामान यहाँ पे रखो, वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो लीड वगैरह बहुत काम की चीज़ें हैं सब, इतना मैं दोबारा इतना आसानी से इकट्ठा भी नहीं कर पाऊँगा। सोने से आई थिंक हेल्थ रिकवर हो जाती है, पर मुझे पक्का नहीं पता है, देखते हैं ट्राई करके। प्लीज़ भाई हेल्थ कर देना रिकवर मेरी पूरी। और ये नहीं हुई, कहाँ पे है नमूने? आ जा आ जा आ जा आ जा, नीचे चला गया तो ब्लॉक के। हाँ भाई ओए होए, मेरे को ही मार दिया मेरी एक्स। आ जा आ जा आ जा आ जा भाई, अब तू ऊपर उड़े जा रहा है, ये नहीं नीचे आ जा, इधर यहाँ पे आ जा आ जा। ओए होए मेरा पैरेट, तेरी वजह से मेरा पैरेट मरा, आज मैं तुझे मारूंगा। वैसे मेरे पास कई सारे पैरेट हैं, पर फिर भी यार नुकसान तो हुआ है ना, तो सामान तो मैंने इसमें दर्ज आई थिंक मेरा सारा। हाँ ये रहा, तो मैं काम करता हूँ कोवल स्टोन लेके ना ये पूरा एरिया कंप्लीट कर देता हूँ एक बार। हम उसी कोवल स्टोन भी ले लेते हैं, डिजाइनिंग कर दूंगा एन टू एंड ही। ओके इसके अंदर कोवल स्टोन होंगे, यहाँ पे एक और है क्या विक्सन? अच्छा ये नमूना, आ जा भाई आ जा आ जा, तेरा इंतजार। आ जा ऐसा ना हो मैं वहाँ जाऊँ फिर वहाँ पर धक्का मार दे मेरे को, फिर दिक्कत हो जाएगी, तो पहले मैं ये सब रखता हूँ इसमें। ये कहाँ पे है भाई तू, किस तरफ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है फिलहाल, तो मैं सोच रहा हूँ छोड़ो अपना काम करते हैं। स्टेसी इनका कोई आता पता नहीं है कहाँ पे रहेंगे ये लोग। एक इधर मुसी, ले भाई ख़त्म, कोवर स्टोन ख़त्म हो गया ऑलरेडी। तो मैं काम कर रहा हूँ जाके अपना कोवर स्टोन लेके आ रहा हूँ तेज़ी में, लेकिन मेरे पास एक कोवर स्टोन है ना, तो मैं दो तीन यहाँ से और माइंड कर लेता हूँ। भाई गिरना मत प्लीज़, वापस आओ तीन भाई, वापस आ तीन, ठीक है तीन से मैं अपने लिए बना ले रहा हूँ एक पिकैक्स। इन्हें दर्द हो, ये सबको दर्द हो, स्टेक निकाल लेते हैं इसमें से, यहाँ पर इसमें वन जगह इसमें मेरे पास हाँ है, तो भाई स्टोन की पिकैक्स है, तो मैं डायरेक्ट इसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसे दर्द हो एंड अभी ऑलमोस्ट फुली मान लो तुम इसे, एंड मैं इससे अपने लिए माइनिंग करता हूँ, लेकिन पहले मेरे को ब्लॉक्स भी लगाने पड़ेंगे, पर कोई बात नहीं। ये आई डोंट थिंक सो कि मैं ये ले सकता हूँ स्टोन की इससे। आ जाइयो, नहीं आया, वहाँ पर है आयरन की टूल्स। ओके ये रहे, इसे यहाँ लगाओ, एंड एक्स भी ले लेते हैं, शवल भी ले लेते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत तो पड़नी है। सेकेंड एंटी साइट है, कोविड स्टोन मेरे पास नहीं पड़े, एक भी नहीं है, कोई बात नहीं अभी नहीं लगा देते हैं जो है सो है। इसे एक इधर ठीक है, रंग बिरंग आया पर कोई बात नहीं चलेगा। अभी तेजी में बैक टू माइनिंग होते हैं। 10 minutes later डन, मेरी पिकैक्स भी ख़त्म है, मेरे पास ऑलमोस्ट एक स्टैक से ज़्यादा ही मान लो तुम आ गए हैं कोविड स्टोन, तो मैं अभी इन्हें लगा देता हूँ। और भूख भी लगे तो पहले खाना भी खा लेता हूँ थोड़ा सा, इसमें हुआ खाना ये रहा, पूरे नहीं लेने चाहिए क्या पता फिर मर जाऊँ, इसलिए आधे और ज़्यादा आधे। अरे एक ही स्टैक है क्या कोविड स्टोन? मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा होंगे, एक ही स्टैक है मेरे पास। ओए होए ये भी फालतू लग गया यहाँ पे, और मैं साथ में फेंस भी ले लेता हूँ एंटू यहाँ से। बाकी मैंने सब ब्लॉक्स निकाल लिए, अभी बस अपने को जाके इन्हें लगाना है आराम से, ठीक है। अभी इधर एक लगाओ मौसी, यहाँ पे नहीं, यहाँ तो नॉर्मल कोविड स्टोन लगेंगे क्योंकि ऑलरेडी मौसी लगे हुए हैं। इस वाले ब्लॉक पे लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ तो मैंने इसलिए लगा दिया तो क्योंकि यहाँ से जा सकते थे, बाकी फ़िलहाल अब तो ऑप्शन ख़त्म हो गया वो वाला, इसलिए अभी अपन लगा सकते हैं आराम से इन्हें कहीं पे भी। इसे लगाओ चारों तरफ, पूरा चारों तरफ मेरे पास जितने वुड है ना मैं सब लगा दूँगा, लेकिन इसे कम्प्लीट करके रहूँगा। ले भाई ख़त्म, एंड आई नो रंग बिरंगी उतनी बढ़िया नहीं लगेंगी पर काम तो करेंगी ना, और मेरे को फ़िलहाल इनको यूज़ करना है, डिज़ाइन में बाद में देखूँगा ये सब की। अभी बंद करो और अभी चलते हैं अपन यहाँ से, एंड और रिसोर्स लेकर आते हैं वहाँ से, पहले मैं सो जाता हूँ, गुड नाइट। ठीक है मेरे पास स्टोन पिकैक्स है तो मैं इसे भी खर्च कर दे रहा हूँ अपने लिए स्टोन माइन करने के लिए, लेकिन पहले एक्स भी लेकर आओ क्योंकि वुड और ग्रेवल वगैरह आ जाते हैं बीच बीच में। ठीक है अभी मैं लगा के आ जाता हूँ, उधर
खोलो इसे, इधर लगा देते हैं इन्हें, यहाँ पे, यहाँ 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 इनको इधर। वन सेकंड, मेरे पास ये जंगल फैंस है ना, पूरे में जंगल ही लगाता हूँ, इसलिए डिज़ाइन थोड़ी बढ़िया लगेगी। जहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ तक करते हैं, इसी बात पे ये सब तोड़ लो। अभी लगाओ जंगल वाली अपने फैंस। और कोई बात नहीं, वो सब भी बाद में देखेंगे, अभी अपनी बन गई है बात तो बढ़िया है। तो इससे अच्छा मैं स्लैब ला के इनके बराबर में लगा देता हूँ, थोड़ा सा ना लंबा बना देता हूँ एरिया, उससे अपने को आसान रहेगा एंड बस आसानी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं काम करता हूँ, स्लैब लेके आता हूँ इन लोगों, यहाँ से आई थिंक एंडमैन ब्लॉक चुरा के ले गया। एक कार जो है ट्रॉपिकल फिश बन गई और बस इतना ही है, जो भी एक कार बचे होंगे पहले मर गए होंगे, कोई बात नहीं। अब जो हुआ सो हुआ, इसे लगाया जाए, वापस आ जाइए चाहे तो जा सकता, कोई दिक्कत। इधर लगाओ फेंस भी, एंड टू एंड लगा देते हैं। किलो फेंस भी ख़त्म, जो ये बचे हैं रंग बिरंगे इन्हें भी लगा ही देते हैं। वैसे भी फ़िलहाल तो कुछ काम के हैं नहीं, यहाँ लगे रहेंगे एटलीस्ट बचाएंगे, तो बाद में जब मेरे पास ओके क्वांटिटी में आ जाएंगे ये वाले ब्लॉक्स ओके, तो मैंने चेंज कर दूंगा फिर, ठीक है। यहाँ लगाओ इसे और ये डार्क ओक लगा देते हैं बाकी के। तो ये बीच में लग गया, ठीक है। अब इससे अपन थोड़े से तो सेफ हैं, डायरेक्ट गिरेंगे तो भी नहीं। यानी मौसी को स्टोन है, मैं बाहर दे रहा हूँ ऐसी तैसी, जो होगा सो देख लेंगे क्या होगा। डबल डबल टेक्सचर से ही तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं बाद में सब ठीक कर दूँगा। अभी बस कोविल स्टोन लेके आने मेरे को थोड़े से, मैं अभी लेके आता हूँ 5 मिनट में। चोर विलेजर एंडमैन ओके मिलने लगे कोविल स्टोन, बढ़िया है, जल्दी आ जाओ तुम भी इसी बात पे सब। एक और आ गई, ये जो भी नाम है इसका, जा भाई तू, जाते की जरूरत नहीं है, बिल्ली तो है, बाद में देख लेंगे इन सबको। ओहो डायमंड एक और, बहुत बढ़िया डायमंड इस बार मिल गया यार एपिसोड में, आई थिंक 2-3 डायमंड मिल गया मेरे को। पहले मेरे को एक एक वीडियो में एक एक डायमंड मिल रहा था, अभी मेरे को एक वीडियो में 3 डायमंड मिल गए, आई थिंक 3 या 2 जो भी हो मिले, काफ़ी सारे मिल गए इस वाली वीडियो में, पहले के मुकाबले तो ज़्यादा ही मिले। एंड मेरे पास ओके 42 हो गए, बढ़िया। वन सेकेंड 42 हो गए तो मौसी, चलो कोई नहीं है, सब उठा लो चेस्ट में से। चलो भाई तू चेस्ट वापस आ, तू भी कर लो भाई, जितने मिले सब माइन कर लो जी भर के। ओके अब तो ये डर्ट आ गई आई थिंक, अब तो नॉर्मल ही आते रहेंगे। हाँ भाई डर्ट आ रही है, अब छोड़ो इसे फिर। तो मेरे पास नॉर्मल जो कोविल स्टोन आ गए, मैं आके जाके लगा के आ जाता हूँ, एंड पहले मैं लगा के आता हूँ, बाद में स्लैब बनाएंगे। इसे खोल लो, इसे इसे इधर इधर इधर, ओके डन, अपना एरिया हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे मॉब हो सकते हैं स्पॉन, तो आई थिंक मेरे को डर्ट का भी बनाना चाहिए, मैं डर्ट का भी एक अलग से और बनाऊंगा, ताकि वहाँ पर जो डर्ट वाले मॉब होते हैं उनको स्पॉन होने लग जाए। पहले मैं स्लैब भी बना लेता हूँ, उनकी स्लैब कैसे बनेंगी, कितनी बहुत रहेंगे यार, 24 बना ले रहा हूँ, बहुत है। बाकी सब 26 हुए हैं मेरे पास बचे। ये नमूना मॉन्स्टर यहीं पर खड़ा है, ओहो बालक स्पॉन हुआ पे एक, बस यही एक वजह थी मैं यहाँ पे फैंस और ये सब लगा रहा हूँ, ताकि जिंदा बच सकूँ। इसके अंदर गुड़ होंगे 20 डार्क होकर लगा दूँ ऐसी तैसी, जब अपन ही जिंदा नहीं बचेंगे तो इनका क्या चारा लेंगे। अब इसे लगा देते हैं, चार लोग वही मॉब्स स्पॉन हो गए यार, ये तो अपने एक्सपी फार्म जाते वहाँ हो गए, कोई बात नहीं, मैं उनका भी करूँगा जुगाड़ कुछ। तो इधर मत आ जाना यार तुम लोग बस, अरे ये वहाँ पे लोग मरेंगे ना तो मेरे को अच्छा वो देने लग जाएंगे आइटम। एंड मेरे पास गेट नहीं, गेट एक भी नहीं, तो गेट ले लेता हूँ मैं, बना लेता हूँ आई मीन। ओके बन गया जंगल का अपना फेंस, ये गेट जो भी बोलो तुम उसको, सेठ लगा लो एंड डन। अभी अपने सारे कंट्रोल में सारी चीज़ें, अभी सो जाते हैं, गुड नाइट। लो खुद जले लगे, बहुत बढ़िया, अभी उससे अपने को खाना मिल जाएगा, भैंस भाई बल्ले बल्ले, फिर तो मस्त मस्त आइटम भी मिलेंगे। तो बस ठीक है, मैं वीडियो को यहीं पेंट कर दे रहा हूँ अपना। अभी देखो यार पूरा बदन कितना खाली खाली से लग रहा है, इससे पहले कितना अच्छा आयरन पहन रखा था मैंने आर्मर, पर कोई बात नहीं, अब वो गया सो गया, उसे बाद में देखा जाएगा। बस अपने लाइक से सब्सक्राइब कर लो, हैप्पी बर्थडे डन।